हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। इसके साथ ही आज वीडियो की शुरुआत करना चाहूंगा और आपको ये बताना चाहूंगा कि एक व्यूअर का सवाल है कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में एसक्यूएल जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन जब मैं ये कोड रन करा रहा हूँ जो डेटाबेस बनाने का है, जब मैं ये रन करा रहा हूँ तो ये डेटाबेस क्रिएट नहीं हो रहा है, आखिर क्यों? तो चलिए आइए देखते हैं इसको। यहाँ से ब्लैंक डेटाबेस पे चलते हैं और ब्लैंक डेटाबेस पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है, बस इसी पे कर देना है क्लिक। कर दिया, अब हमारा ये डेटाबेस तो आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, इस टेबल को क्लोज करना है या डिलीट कर देना है। क्लोज ही कर देते हैं, ये जो है ना इसको क्लोज करिए। यहाँ से क्लोज हो गया, डिलीट करने के बजाय हमने इसे क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद यहाँ से हम क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाने के बाद क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे। जैसे ही जाते हैं तो ये इस तरीके से सिनेरियो आएगा। और अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहां से सीधा सीधा एसक्यूएल पे चले चलना। ये जो एसक्यूएल दिखाई दे रहा है यहीं पे आ जाना। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा एक एक चीजों को, ठीक है। सबसे पहले हमें टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए जो कमांड होता है, जो एसक्यूएल कमांड है, वो क्रिएट होता है। और यहाँ पे क्या लिखते हैं आप, टेबल, क्रिएट टेबल, ठीक है। और यहाँ पे टेबल का नाम आता है, तो जो भी आप टेबल का नाम देना चाहें दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूं शॉप, शॉप टी, एस एच ओ पी, शॉप टी, शॉप टेबल, टी का ये मतलब है टेबल, तो ये सिंबलाइज कर दिया शॉप टेबल। अब यहाँ पे शॉप टेबल में नेम ऑफ प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूं नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया। और फिर नेम ऑफ प्रोडक्ट का जो डेटा टाइप है वो मेंशन करना है, तो आप कैर और वेर कैर दोनों रख सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल रख लेता हूं इस बार कैर, और इसकी साइज कर देता हूं 15, ठीक है। 15 माने कि 15 कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। कॉमा लगाएंगे और यहां पर इसकी प्राइस की बात आएगी, तो ये प्राइस कर दिया। और यहां पे करेंसी नाम का एक डेटा टाइप आता है, उसी को हम रख लेंगे, तो ये कर दिया करेंसी, तो ये करेंसी हो गया। और अब इसको करना है क्लोज, या फिर हम इसमें एक्सपायरी डेट भी लगा सकते हैं, तो एक्सपी अंडरस्कोर डेट कर देते हैं, एक्सपायरी डेट। तो एक्सपायरी डेट का डेटा टाइप क्या होगा, डेट एंड टाइम होगा, ठीक है। तो यहां पे खाली डेट लिख देंगे, काम हमारा हो जाएगा इससे, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे ऐसे, और यहां से टर्मिनेशन देंगे और यहां से रन पे क्लिक करेंगे। ये जो रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए टेबल क्रिएट हो गई हमारी, ठीक है। ये बड़ा आसान है, ठीक है। देखिए किस तरीके से ये टेबल क्रिएट हो चुकी है, जो जो दिया गया है वो चीजें यहाँ पे आ रही है, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। जब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा तो डायरेक्ट आप यहां से कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फायदा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहें तो क्वेरी भी बना सकते हैं, तो क्वेरी बनेगा तो क्या होगा, कैसे होगा, वो भी दिखा देता हूँ। क्रिएट पे जाएंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से इसको क्लोज कर देंगे और यहां से एसक्यूएल पे आ जाएंगे। अब यहां पे इंसर्ट इनटू कमांड चलाएंगे, इस तरीके से लिखेगा इंसर्ट इनटू, अब ये लिखना पड़ेगा आपको। और टेबल का नाम क्या है, शॉप टी, तो यहां टेबल का नाम भी देना होगा। अगर आप एसक्यूएल के थ्रू जाना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। और सबसे पहले ऊपर क्या देना होगा, तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं हमारे टेबल में, नेम ऑफ प्रोडक्ट है, प्राइस है, एक्सपायरी डेट है, तो वो सारे फील्ड्स के नेम हम डालेंगे, ठीक है। तो यहां पर कर दिया नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो नेम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। और नेम ऑफ प्रोडक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे, और नेम ऑफ प्रोडक्ट के बाद प्राइस है, तो पी आर आई सी प्राइस करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे ई एक्स पी आई आर वाई एक्सपायरी, और ई एक्स पी किया था हमने शायद, ये एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ से, ई एक्स पी अंडरस्कोर डेट है, तो जैसा है बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए टी डेट हो गया। तो बस ये दे करके आपको क्या करना है, अब यहाँ पर वैल्यूज आपको डालनी है, ठीक है। तो इसको बंद करिएगा, और बंद करके और यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अब हम वैल्यूज, ये वैल्यूज कर दिया हमने, नेम ऑफ प्रोडक्ट में सिंगल डॉट कॉमा में लिख देते हैं, जैसे शुगर कर दिया हमने शुगर, तो शुगर जो है ये हो गया। और यहाँ पे शुगर की जो प्राइस है वो आएगी, तो यहाँ पे जो भी प्राइस है वो डाल सकते हैं आप। तो जैसे मान लीजिए शुगर 50 रुपये किलो है, तो यहाँ 50 डाल दिया हमने। और यहाँ पे डेट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो डेट को सिंगल डॉट कॉमा में लिखेंगे, इसकी एक्सपायरी डेट है 1/5/2025, तो ये हमने 2025 डाल दिया यहाँ पे। और ये बंद करके इस तरीके से, और यहाँ से टर्मिनेशन देंगे, और यहाँ से बस रन कर देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ भी आ रहा है, यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, तो यहाँ पे एक रो अपेंड हो गई आपकी, ठीक है। अब अपेंड हुई तो इसका मतलब क्या निकला, कि यहाँ पर जो है आपको अपडेट होता हुआ ये मिलेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, ये जो क्वेरी टू है इसे मैं क्यू टू के नाम से सेव कर देता हूँ, जो क्वेरी वन है इसको मैं क्यू वन के नाम से सेव कर देता हूँ। ये क्वेरी बनाने का तरीका हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज करिए आप, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है एक्सेस के साथ, और ये आप टेबल को भी क्लोज कर देते हैं, तो ये हमारा टेबल है। अब इसको ओपन करेंगे तो ये इसमें अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है।
और एक्सेस के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जो क्वेरी आपने बनाया है इसी का मतलब मैं दिखाता हूं किस प्रकार से ये क्वेरी लिखी गई है। और ये देखिए ये जो क्वेरी है ना, अब इसी में आप लिख देंगे ना तो ये दूसरा हो जाएगा। देखिए मैं दिखाता हूं कैसे, ये क्वेरी 2 है हमारा और ये डिजाइन व्यू पे आए। अब इसमें दूसरा लिखना है तो आपको बार बार दूसरी चीज यहां पे देखिए, यहां पे सिर्फ इसको हटाइए। अब इस हटाने का मतलब ये नहीं कि यहां पे ये प्रोडक्ट हट जाएगा। जैसे मान लीजिए पल्स कर दिया हमने, PULSE पल्स हो गया, तो पल्स है 150 रुपए किलो, ठीक है। और इस पे भी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, तो यहां पे आप चाहे तो एक्सपायरी डेट चेंज कर सकते हैं, 4-5 कुछ भी कर सकते हैं। तो इस बार चेंज कर दिया है और फिर इसको रन करेंगे तो कहेगा कि यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, तो एक रो अपेंड हो गया। अब क्या करेंगे, फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, यस, फिर इसको भी और फिर यहां से राइट क्लिक करके क्लोज और फिर इसको भी क्लोज कर देते हैं। और जैसे ही ओपन करेंगे तो ये रिकॉर्ड भी अपडेट हो गया। तो देखिए अपडेट हो गया, तो ये ज्यादा मुझे लगता है कि कन्वीनियंट होगा आपके लिए। अब मान लीजिए फिर अगर रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधा सीधा यहीं से कर लेंगे आप। जैसे मान लीजिए अब यहां पे क्या करता हूं, अब यहां पे करता हूं हल्दी, तो ये कर दिया हल्दी। और यहां पे क्या करेंगे, इसकी प्राइस है तो यहां पे 50 रुपीज प्राइस जो भी है इनकी यहां पे डाल देते हैं। और इसका एक्सपायरी डेट क्या है वो भी यहां पे, जैसे मान लीजिए सेम हो तो यहां पे ऐसे छोड़ सकते हैं और यहां पे रन करवाएंगे तो फिर कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो। और फिर इसको वापस से सेव करके क्लोज करते हैं और यहां पे इसको भी क्लोज करते हैं या यहां से रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप, रिफ्रेश करते ही आपको दिख जाएगा। तो ये हल्दी भी दिख रहा है, तो सारी चीजें होती हुई नजर आएंगी आपको इसमें। और आपको ये हटाना नहीं पड़ रहा है, सबसे बड़ी खासियत ये है, ये पूरा हटाने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम वगैरह चेंज कर दीजिए, इसमें ऑटोमेटिक चेंज होता चला जा रहा है। देखिए अब यहाँ पे एक और चेंजेस कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस बार क्या करता हूं, यहाँ पे लिखता हूं आशीर्वाद आटा, तो ये लिख दिया आशीर्वाद आटा। और ये जो है कितने रुपए किलो है, तो ये है 30 रुपए किलो, ठीक है। और इसकी एक्सपायरी डेट चेंज करते हैं, यहाँ पे 7 कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं 3/2024 कर देते हैं। तो ये इस तरीके से कर दिया हमने और यहाँ देखिए चेंजेस हो गए और ये रन हो गया, कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, तो अपेंड हो गया इसमें। तो अब इसको आप सीधा सीधा यहाँ से क्वेरी को क्लोज कर दीजिए सेव करके, बाकी टेबल को अपडेट करने के लिए यहाँ से रिफ्रेश कर दीजिए तो ये अपडेट हो जाता है अपने आप। तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। आप अगर चाहें तो यहाँ सीधा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीधा यहाँ पर लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया मैंने रिफाइंड OIL ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल हमने यहाँ पे सीधा टाइप किया है, ठीक है। और इसकी कीमत है 140 रुपए, तो यहाँ 140 रुपए डाल दिया। और इसकी एक्सपायरी डेट भी है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसकी एक्सपायरी डेट है यहाँ पे 2024 कर देते हैं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से एक्सपायरी डेट डाल लिया। तो आप दोनों तरीकों से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेरी में गए, अब देखिए क्वेरी फिर से करके दिखाता हूँ क्वेरी में से। अब जैसे यहाँ पे हमने लास्ट में क्या डाला है, रिफाइंड ऑयल आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे टेबल में आपको दिख ही रहा है रिफाइंड ऑयल, यहाँ पे ऑलरेडी चूंकि सीधा दिया था तो अपडेट तो हो ही गया है। तो अभी यहाँ पे डालेंगे तो अपडेट होगा कि नहीं होगा, उसी के बाद आएगा, ठीक है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक सपोज कीजिए, यहाँ पे लिखता हूँ मस्टर्ड ऑयल OIL, ये लिख दिया। अब उसकी कीमत है 130 रुपए और इसकी एक्सपायरी डेट मान लीजिए यही सेम है, ठीक है। अब यहां से इसको रन कराया तो देखिए कह रहा है यू आर अबाउट टू अपेंड 1 रो, और जैसा ही 1 रो अपेंड होगी तो यहां पर अगर आते हैं हम और रिफ्रेश करते हैं इसको, तो आपको नीचे मस्टर्ड ऑयल दिखने लगेगा MS Access में। तो मुझे लगता है कि MS Access ज्यादा यूजफुल है, ठीक है, आसान है और कन्वीनियंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे आपको करना है, तो ये होगा, ठीक है। और मुझे लगता है कि SQL की अपेक्षा MS Access में काम करना ज्यादा कन्वीनियंट आपको लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही कोई सवाल होगा तो वो भी आप जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।